आगामी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन प्रपत्र दिया। दो दिनों में 3 नामांकन प्रपत्रों की बिक्री हो चुकी है। बता दें कि एक ओर जहां राष्ट्रीय दलों ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है। जानकारी के मुताबिक उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर होगी। इसी को लेकर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 173 बूथ बनाए गए हैं, ऑब्जर्वर की ड्यूटी प्राप्त हो गई है, काउंटिंग हॉल का चयन भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी और आगामी 4 नवंबर को नाम वापस लेने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अनुरूप समस्त कार्यवाही जो है जनपद में की जा रही है। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आज तक के जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है, उसके लिए नियमित अनुसरण भी किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी गठन के लिए जो है 173 पोलिंग स्टेशन का चयन निर्धारित किया जा चुका है और उनकी पोलिंग टीम्स का गठन के लिए जो है पोलिंग पर्सनल का रैंडमाइजेशन प्रक्रिया प्रथम चरण में पूर्ण हो चुका है। ऑब्जर्वर्स जो निर्वाचन आयोग के द्वारा तैनात किए जाएंगे उनका ड्यूटीज भी प्राप्त हो चुका है। उनमें से जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं वो जनपद में अपना योगदान दे चुके हैं और जो जनरल ऑब्जर्वर हैं और जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं वो नामांकन के एक दिन पूर्व जो है वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। उसके पश्चात जहाँ पर काउंटिंग की व्यवस्था होगी उस हॉल का भी चयन कर लिया गया है, उसका सही मानकों के अनुरूप उसका लेआउट तैयार कर लिया गया है।